स्टैंडर्ड 7 हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 5 धरती की शान। ये जो धरती की शान है उसके कवि है पंडित भरत व्यास। ओके, पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास में धरती की शान ये बहुत अच्छा एक सॉन्ग है वो लिखा है, और ये जो सॉन्ग है वो फिल्म का भी सॉन्ग है, और फिल्म में इस जो पोयम है उसको लिया गया है। तो आइए हम भरत व्यास के बारे में थोड़ा पढ़े। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार है। ओके, यानी कि गीतकार और कवि। ओके, जो गीतकार है वो गीत लिखते हैं, पोयम है वो भी गीतकार के एक डिपार्टमेंट है। तो उसके जरिए उन्होंने ये नियम पे गीत लिखा है। आपका जन्म यानी कि पंडित भरत व्यास का जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान में चूरू गांव में हुआ, यानी कि 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान में चूरू गांव में, राजस्थान का एक गांव है उसका नाम है चूरू, वहां पे हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 यानी कि 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। बहुत अच्छी फिल्म है गांव और गोरी। ओके, तो गांव गोरी एक फिल्म है 1958 में आई थी, और उस फिल्म में ये सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। आप अगर सर्च करके देखें तो ये फिल्म का एक सॉन्ग भी आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा, और उसमें बहुत अच्छा म्यूजिक है, पुराना म्यूजिक है, आपको थोड़ा कॉमेडी भी लगेगी, मगर बहुत अच्छा म्यूजिक है और अच्छा सॉन्ग है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। ये जो सॉन्ग है इसमें जो मनुष्य है उसको सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश, जल वाटर, ओके, फिर स्थल यानी के लैंड, और आकाश यानी के स्काई यानी के भूमिगत, जलगत और आकाश यानी के जल, स्थल और जो पानी है उस तीनों की बात को लेकर कई उपलब्धियां अर्जित की है। आप देखेंगे तो इंसान है वो पानी में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, पानी में भी बहुत कुछ है उन्होंने बनाया है, फिर जमीन पर भी वो, लैंड पर भी बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप किया है, और आकाश में भी वो आज पहुंच गया है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। देखो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने नेचर जो होता है उसके साथ वो एडजस्टमेंट करने में इतने कामयाब नहीं हुए हैं जितना इंसान हुआ है। मान लो कि आज अभी ठंडी है, विंटर सेशन चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं एनिमल्स से, उसको भी ठंड लगती है, मगर वो क्या करते हैं, वो घर नहीं बना सकते हैं, वो कोई ऐसा बनाकर टैंक बनाकर वो रह नहीं सकते। मगर इंसान को देखो, वो घर भी बनाया है, छत भी बनाई है बहुत अच्छी, टैंक भी बना सकते हैं, और उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी की उपयोग करके उन्होंने अपनी फैसिलिटी बनाई है। तो बुद्धिमान प्राणी है मनुष्य, ऐसा यहाँ पे बताया है कवि ने। फिर मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सही बताया है भरत व्यास कि इंसान जो है उसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है वो असंभव है, इम्पॉसिबल है। आप देखेंगे इंसान सब कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, तो मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, यही भाव काव्य में अंतर्निहित है, और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। यानी कि ये जो बात है वो अनंत काल तक चलने वाली है और इसे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात ये है कि मनुष्य की महानता है बहुत बड़ी है। अगर गॉड को भी यहाँ पे पृथ्वी पर अगर जन्म लेना है तो वो मनुष्य का जन्म लेकर आए हैं। कोई भी भगवान है वो एक अंश है उसका प्रकृति के, और वो यहाँ पे मनुष्य का एक जन्म लेकर आए हैं और महानता प्राप्त की है। आइए ये जो सॉन्ग है वो हम पढ़ते हैं। ये जो सॉन्ग है उसका जो राग है थोड़ा इस प्रकार का है।
पुराना सॉन्ग है। धरती किसान तू भारत किसान तू, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। इस प्रकार का लय है इस सॉन्ग में। आप अगर मोबाइल में सर्च करके ये देख ले तो ये फिल्म का सॉन्ग है वो आपको दिखाई देगा और आप उसे सुन सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान, मनुष्य तू बड़ा महान है। चलो धरती की शान तू भारत की संतान, यानी कि धरती पर तेरा गौरव है। शान का मतलब होता है गौरव करना, तो धरती है उस पर सबसे गौरवपूर्ण अगर होगा तो वो है हम मनुष्य। ओके, तू भारत की संतान यानी कि हम भारतवासी हैं, भारत पर रहने वाले हैं। धरती पर तो बहुत सारे देश हैं, मगर ये जो हम भारत की यहाँ की बात आई है, भारतवासी है, इसलिए भारत की बात बताइए, इंडिया की बात बताइए, इंडिया के हम संतान है। ओके, तो धरती है उसका गौरव हम लेने वाले हैं, हम धरती का गौरव है और हम भारत की संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। अब देखो मनुष्य जो है उसकी मुट्ठी में बंद तूफान है, अगर वो अपनी जो मुट्ठी है वो खोल दे तो पंच हम बनाते हैं, ऐसे पंच बनाते हैं, अगर वो पंच हम खोल दे तो क्या होगा, तूफान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। तो ये लाइन हमें ये समझाती है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। अब जब तू चाहता है तब वो तू कुछ कर सकता है, तू जो चाहे वो कर सकता है। तेरी मुट्ठी बंद है तभी तक तूने कुछ नहीं किया है, अब तू अपनी मुट्ठी खोल दे यानी कि अपना जो पंच है वो तू खोल दे तो पूरा का पूरा तू जो चाहे वो कर सकता है, तो ये तूफान ला सकता है। तो आप देखें कि इंसान ने बहुत कुछ तरक्की कर ली है, बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। जब तक वो छोटा था तब वो अपनी मुट्ठियों में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं आप देखते हैं वो क्या होते हैं, उसकी मुट्ठी ऐसे बंद होती है, हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, फिर वो मुट्ठी खोल देता है तो क्या होता है, वो डेवलप करने लगता है, कुछ वर्क करने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। तो तूफान का मतलब ये होता है, तूफान का मतलब ये नहीं होता कि कोई सुनामी आ गई और ये हो गया। तूफान का मतलब यहाँ पे कवि ने ये बताया है कि तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, अगर तू मुट्ठी खोल दे तो ये सब कुछ तू कर सकता है। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य है वो बड़ा महान है। इस अर्थ पर सबसे महानता की प्राप्ति आती है तो वो है मनुष्य। फिर आगे की लाइन है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ ही दिखाए, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। ओके, चलो तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अगर तू जो चाहे, अगर इंसान की चाह हो तो, वो अगर सोचे तो, वरना कुछ नहीं हो।
होता है, यहाँ पे बड़ा तो लगता है, तू जो चाहे तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे। पर्वत बड़े बड़े एवरेस्ट होते हैं, बड़े बड़े माउंट होते हैं, उनको कौन तोड़ सकता है? तो मनुष्य तोड़ सकता है। आपने अगर एक नाम सुना होगा माजी है, माजी यानी कि माजी का मतलब ये नहीं है कि वृद्ध महिलाएं हैं, माजी एक सरनेम है और उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं, मगर वो माजी बिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने पूरा जो है पहाड़ था यानी कि एवरेस्ट था बीच में वो तोड़ दिया और उसमें से रास्ता बनाया है। पूरी जिंदगी उन्होंने उस पहाड़ तोड़ने में बिता दी है। तो वो जो है उसके बारे में एक फिल्म भी बनी थी और उन्होंने ये जो पूरा का पूरा पहाड़ था वो तोड़ दिया है अकेले। क्यों? उसकी वजह एक थी कि गांव वालों को वर्क पर जाना था तो बीच में पानी आता था और वो जाने में वो लेट हो जाते थे। दूसरी बात ये थी कि उसकी पत्नी को भी वहाँ उसके खेत पर जाना था तो उस खेत पर जाने में वो लेट हो जाती थी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ से रास्ता बनाया जाए तो शॉर्टकट हो जाए। तो उन्होंने तय कर लिया। तो क्या होता है, तू जो चाहे, उन्होंने चाहा अगर हम भी चाहे तो पर्वत और पहाड़ को फोड़ दे। फोड़ देने का मतलब तोड़ देना, ब्लास्ट कर देना। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। वैसे तो पानी कहीं भी रुकता नहीं है, उसको स्टॉप कोई नहीं कर सकता है, अगर इंसान चाहे तो वो कर सकता है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे हमने बंद बनाए हैं, बहुत सारे ऐसी जगह पर हमने डैम बनाए हैं जहाँ पर पानी का हमने स्टॉक किया है। तो किसने किया है? इंसान ने किया है। अगर आप दुबई जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे पानी में भी वहाँ पे ऐसे मकान बन रहे हैं, इमारतें बन रही है, जैसे कोकोनट है उसी प्रकार की इमारतें बनाई गई है, आप अंतरिक्ष में भी उसको देख सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा जो है वो नदियाँ यानी कि जो रिवर होती है उनमें से उनके जो फेस उसके मुंह को भी कौन मोड़ सकता है? तो इंसान मोड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे नदियाँ हैं उसको मोड़ दी है इंसानों ने। अभी आप एसएस में भी देखें तो वहाँ पे हमने देखा कि सिंधु घाटी से पाकिस्तान से आने वाली जो नदियाँ थी सिंधु नदी, उसको किसने मोड़ा? तो इंसान ने ही मोड़ा है। वो नदी कहाँ आती थी? वो नदी कच्छ में आती थी और कच्छ पूरा हरियाला था, मगर उस नदी को किसने मोड़ लिया? उन लोगों ने। तो लोग जो चाहे तो क्या कर सकते हैं? नदियों के को भी मोड़ सकते हैं, यानी कि नदी के जो फेस है उसको भी टर्न कर सकते हैं। तो इंसान सब कुछ कर सकता है। फिर आगे के लाइन में देखते हैं तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। फिर लिखा है तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। देखो इंसान की बात है, तू जो चाहे। अब ये जहां पे पंडित भरतव्यास कहता है इंसान के सामने उंगली रख कर कहता है कि तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। माटी से अमृत निचोड़ना का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है ये लाइन में कि माटी जो होती है हमारी जमीन हमारी लैंड जो होती है उसके अंदर मिट्टी में ये सब कुछ हम बोते हैं। तो ज्यादातर हम खेतों में ज्यादा से ज्यादा हम
अनाज बोते हैं कौन, तो उसको हमने अमृत बताया है। यहाँ पे कवि ने अमृत बताया है, धन धान्य आदि आदि सभी प्रकार के यहाँ पे हम माटी में से यानी कि मिट्टी में से अमृत जैसे यानी कि वो सब कुछ हम बनाते हैं। तो हम देखते हैं अनाज ये सब कुछ हम उगाते हैं तो कहाँ पे, हम मिट्टी में। फिर दूसरी बात, हम मिट्टी में से ये सब कुछ रिसर्च करके देखा है, सोना चांदी गोल्डन सिल्वर ये सब कुछ हमने धातुएं वगैरह वगैरह, फिर खनिज तेल ये सब हमने कहाँ से लिया है, मिट्टी में से लिया है। तो उस वो हमारे लिए अमृत समान है, ये हमारे लिए अमृत समान है। तो जो इंसान चाहे ना तो मिट्टी में से वो अमृत भी निकाल सकता है। फिर तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी कि इंसान जो चाहे ना तो धरती और अंबर को जोड़ दे। आज हम देखते हैं कि धरती और आकाश वैसे तो एक ऐसे नहीं बन सकते, मगर धरती और अंबर को जोड़ने का यहाँ पर मतलब ये होता है कि आज हम देखते हैं कि आकाश में स्काई में और हमारे अर्थ है उस पर हम एक साथ जुड़े हुए हैं। आज हम अंतरिक्ष में जो भी कुछ होता है तो हम सैटेलाइट की वजह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम आकाश में भी जा सकते हैं, मून पर भी चले गए हैं। तो बहुत कुछ हम स्काई और अर्थ के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो इंसान चाहे तो धरती और अंबर को जोड़ दे। फिर यहाँ पे आगे की लाइन हम देखते हैं, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तेरे प्राण अमर है यानी कि तू कभी मरता नहीं है। वैसे तो इंसान मर ही जाता है मगर क्यों नहीं मरता है? इसकी बात ये बताई है कि हम पहले से देखते आए हैं कि कोई भी अच्छा कार्य करता है, अच्छा वर्क करता है तो उसको हम सदियों तक याद करते हैं। देखो बहुत सालों बीत गए फिर भी हम राम को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, जसिस को याद करते हैं, फिर हम गुरु नानक को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं, मोहम्मद को याद करते हैं, सबको याद करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने इस अर्थ पर आकर बहुत अच्छा वर्क किया है, अच्छा काम किया है, समाज का यानी कि सोशल डेवलप किया है। तो अमर तेरे प्राण, अगर तू चाहे तो भगवान बन सकता है। वो सब इंसान ही थे मगर वो भगवान बन गए। क्यों? अच्छे वर्क करके, अच्छा काम करके तुझको ऐसा वरदान मिला है। अर्थ पर इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे मान्यताएं हैं कि ऐसे जन्म लेकर 84 लाख करोड़ जन्म लेकर हम यहाँ पे अर्थ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा काम करना पड़ेगा हमें। यहाँ ही फोकट में हम अपना टाइम वेस्ट करके चले नहीं जाना है। 70 और 80 की हमारी लाइफ होती है, ज्यादा से ज्यादा पता नहीं किसकी कितनी होती है, मगर यहाँ हम आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करके जाना है। और हमारी जो आत्मा है, हमारा हार्ट है, उसके अंदर एक गॉड बैठा हुआ है, वो सभी के अंदर है और सबको एक दूसरे के साथ जीकर शांति से और अमरता का वरदान प्राप्त करना है। ऐसा ही एक दूसरा फिल्म है, उसमें नया दौर नाम का फिल्म है, बहुत अच्छा फिल्म है। उसमें भी इस प्रकार की बात बताई गई है, उसमें भी एक ऐसा सॉन्ग है इसके साथ जुड़ा हुआ, वो एक ऐसा है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। वो भी एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो सब वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंसान इंसान को हेल्प करे, एक अकेला थक जाएगा, अकेला थक जाएगा, सब एक साथ उसको हेल्प करेंगे तो कुछ ना कुछ नया डेवलप कर सकेंगे। तो ये भी सॉन्ग बहुत अच्छा है, इसके साथ जुड़ा हुआ, आप संस्कृति देख लीजिए, नया दौर फिल्म का है। फिर आगे हम बढ़ते, नई नई में ज्वाल तेरी गति में भूचा। अब देखो
इंसान जो है उसकी बात है, नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। नैनों यानी कि जो हमारी आंखें हैं उसके अंदर ज्वाल यानी कि ज्वाला है। ज्वाला का मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ऐसे देखता है और सब कुछ जला कर राख कर देता है, नहीं। ज्वाल का मतलब यहाँ पे होता है, कवि बताते हैं कि ज्वाल का मतलब अग्नि। तू जो चाहे तेरी आंखों में अग्नि है, ऐसे ही वो शांति से तू बैठा नहीं रहता है, कहीं भी तू कुछ ना कुछ बना सकता है, कहीं ना भी कुछ ना कुछ तू देखता है और उसको तू जला देता है। जला देना का मतलब होता है डेवलप कर देना। तो इंसान अपनी आंखों से देखता है और जो देखता है तभी तो वो कुछ करने का सोचता है। तो जो देखता है इंसान तभी तो बताया है कि उसमें कुछ नया डेवलप करने का सोचता है, इसलिए इसमें बताया है ज्वाल। ज्वाल का मतलब होता है अग्नि, अग्नि होता है। मगर ये अग्नि वो अग्नि नहीं है जो हम जलाते, यहाँ पे वो अग्नि है जो हम देखते हैं और कुछ ना कुछ नया डेवलप करने को सोचते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे अर्थ है, उसका मीनिंग इस प्रकार का होता है। तेरी गति में भूचाल, भूचाल, भूचाल का मतलब होता है, हम देखते भूचाल का मतलब होता है धरती का। ओके, यहाँ पे धरती कंप होता है तो भूचाल धरती हिल जाती है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और धरती हिल जाती है, नहीं ऐसा नहीं है कि हम चलते हैं और धरती हिल जाती है, भूकंप आ जाता है, नहीं। मगर कहने का मतलब ये भी यहाँ पे कवि बताते हैं कि तू जो चलता है ना तो भूकंप आ जाए, इसी प्रकार जो ऐसे वर्क है, जो ऐसे कार्य है, जो इधर उधर के नेगेटिव है वो तो हटा दे सकता है, वो हिल जाते हैं, और तू जो चलता है ना तो उसी प्रकार से तेरी गति यानी कि तू रनिंग करता है धरती में भी भूचाल आ जाता है। तो यहाँ पे धरती में भूचाल आ जाने का मतलब ये होता है, नहीं ये कि इंसान चलता है और धरती कंप होता है, भूकंप होता है। कुछ ऐसे वर्ड है वो अभी आप समझ लें, ज्वाल यानी कि अग्नि, भूचाल यानी कि भूकंप। तो भूकंप आना, जैसे भूकंप आता है, अभी वो साल आएगी 26 जनवरी 21 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, तो अब देखें स्टार्ट हो जाएगी यार 21 ईयर्स हो गए, मगर वो भूकंप आ गए। क्यों? कोई इंसान चला इसलिए नहीं, कहने का मतलब ये है यहाँ पे बहुत गाढ़ा यहाँ पे मीनिंग बताया गया इंसान को चलता है तो भूकंप जैसा वो वर्क कर देता है यानी कि हिलचाल कर देता है चारों ओर। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, तेरी छाती यानी कि जो है उसके अंदर महाकाल, आपने महाकाल देखा होगा, महाकाल एक शिव का अंश है, वो उज्जैन में महाकालेश्वर महादेव उज्जैन में महाकाल है। महाकाल का रुद्र स्वरूप है और महाकाल है ना वो ऐसे हैं जो काल को भी भर लेते हैं, यानी कि वो डेट को भी पीछे धकेल देते हैं। तो महाकाल है, तू तेरी छाती में महाकाल है, तेरी छाती में शिव बैठे हुए, या महाकाल का मतलब शिव है, महाकाल यानी कि शिव, ये शिव है वो तेरी छाती में यानी तेरे देश में बैठा, यानी कि हमारे हृदय में भगवान है, हमारे अंदर जीव है वही हमारे शिव है। तो यहाँ पे बताया है कि तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा पहाड़। अब ये जो नेचुरल है चारों ओर उसके साथ इंसान को जोड़ा गया है, उसका उसका विशेषण बताया है। तो बताते हैं तो पृथ्वी के लाल, यहाँ पे अर्थ के लाल, लाल का मतलब बेटा, या रेड कलर नहीं बताया, ओके, लाल का मतलब बेटा। तो पृथ्वी के, हम पृथ्वी के बेटे हैं, तेरा हिमगिरी सा भाग,
हिमगिरी, यानी कि हिमगिरी का मतलब होता है जो हिमालय, हिमालय जैसा तेरा भाग, यानी कि फॉरहेड है, ओके भाग, यानी कि फॉरहेड। तो यहाँ पे बता दे तेरे हिमगिरी सा भाग, यानी कि तेरा जो ऊपर का मस्तक है और है वो तेरा हिमगिरी जैसा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको हम देखते हैं तो हम यूं ही देखते रह जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि उसकी जो मस्तक की रेखाएं है वो ऐसी होती है जो ईश्वरीय ताकत उसमें हो ऐसा हम महसूस करते हैं। तो इंसान के अंदर ये उसका बाल है, उसका फोरहेड है, यहाँ का वो इसको बताया गया है हिमगिरी जैसा। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान तेरा शक्ति पहचान। भ्रुकुटी, भ्रुकुटी का मतलब होता है भौं, यहाँ पे ये बताया है भ्रुकुटी। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान तेरा शक्ति पहचान। निज का मतलब होता है स्वयं, निज का मतलब होता है स्वयं, मींस आई। तो निज को तू जान, अपने को पहले पहचान, जरा शक्ति पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, हमें अपने को समझ लेना चाहिए पहले, हम क्या है वो जानना चाहिए, तभी आप डेवलप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम क्या है ये हम जानेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो हम वैसे ही सोचते रहते हैं, और बहुत सारा ऐसा है जो हमारे अंदर पड़ा है वो हम नहीं बाहर निकालते, क्योंकि हम कल्पनाओं में ही हम लाचते रहते हैं, वास्तविकता में नहीं जीते। अगर हम वास्तविकता में जिएंगे प्रेजेंट, तो पता चलेगा कि इर्द गिर्द हमारे बहुत कुछ हो रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, हम बैठे हैं यहाँ पे होते हैं और चले जाते हैं घर पर, और इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो हमें पता नहीं होता है। तो तेरी तू निज को पहचान, जरा शक्ति पहचान, तेरे अंदर बहुत कुछ शक्ति है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, वाणी में मिठास, वाणी में ऐसी मधुरता होनी चाहिए, आप अगर बोले आपकी स्पीच हो अच्छी होनी चाहिए, अच्छा बोलो, मीठा बोलो और शुद्ध बोलो, किसी को बुरा लगे ऐसा मत बोलो, किसी के हार्ट को ऐसा ट्रेजेडी में आ जाए ऐसा मत बोलो, दुखी को ऐसा मत बोलो, अच्छा बोलो, अगर ना बोलना है तो ना बोलो, वरना बोलना है तो अच्छा बोलो, यही बात करते। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जिसका नाम क्या बताए, इतने सारे हैं, उनकी वाणी, उसकी स्पीच इतनी अच्छी थी कि आज उनकी स्पीच से बहुत सारे लोग अच्छे सुधर गए, अच्छे रास्ते पर आ गए और बहुत कुछ वो कर सकते हैं, और जिंदगी भी उनके पीछे उन्होंने बिता दी। युग का आह्वान है, युग यानी कि हम ये युग हमारा है, ये सन कहते हैं उसका आह्वान, आह्वान का मतलब होता है वो वेलकम उसको करता है कि तू कुछ नया कर ले, तू कुछ नया डेवलप कर ले, तू कुछ अच्छी बातें बोल जा ताकि लोग तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद करें। पेज नंबर 29 पर हम जाएंगे। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। अब यहाँ पे धीर का मतलब होता है क्या, धीरता मतलब होता है धीरज धरना, ओके। हमारी जो धरती है वो ऐसी नहीं है कि वो ये सोच लेती है कि मैं अब आप सब मुझे इस प्रकार से परेशान करते हैं, बहुत सारी जगहों पर आप गंद के फेंकते हैं, आपने मुझे त्राहिमाम कर दिया है तो मैं अब ब्लास्ट हो जाऊंगी, मैं अब जल्दी घूमने लगूंगी, ऐसा कभी नहीं सोचती, एकदम स्थिर है, धीर है। इसीलिए इंसान को धीर बताया है,
धीरज वाला होता है। वैसे तो सभी इंसान नहीं होते, मगर इंसान को कहते हैं कि तू ऐसा बन, तू सहनशीलता करना सीख ले। किससे? धरती से। धरती सा धीर तू, अग्नि सा वीर, अग्नि जैसा वीर है तू। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल जैसे हम देते हैं कि मृत्यु, काल का मतलब यहाँ पे मृत्यु बताया, वो इंसान चाहे ना तो मृत्यु को भी अपने वश में कर लेते। नचिकेता नाम आपने सुना होगा, वो नचिकेता ने अपने मृत्यु को भी वश में कर लिया है। आप अक्षरधाम जाएंगे तो वहां पे बहुत सा ऐसे फुहारे होते हैं और उसमें वो लेजर लाइट लगाकर वो नचिकेता का बहुत अच्छा पिक्चर दिखाते हैं। तो वो एक पिक्चर है, बहुत अच्छा है। वो काल को भी उन्होंने पकड़ लिया था और इंसान है, नचिकेता लड़का था, वो इंसान था, तो उन्होंने काल को भी पकड़ लिया था, तो काल को भी वो पकड़ सकता है। बहुत ऐसी स्टोरियां हैं हमारे यहाँ सौराष्ट्र में भी, बहुत ऐसी स्टोरियां हैं जो काल को भी पकड़ लेती है और वो पीछे ला देती है। तो इंसान में वो ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। अब लास्ट फोर लाइन है, पापों का प्रलय रुके। आप देखते हैं अभी बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे पाप हो रहे हैं, ये प्रलय। जितना पाप बढ़ेगा उतनी अर्थ ध्रुजेगी, ब्राइटनेट। इसका मतलब ये है कि अंत आने वाला है कलयुग का, तो पापों का प्रलय रुक जाए तो अच्छा है। पशुता का शीश झुके, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पशु समान जिंदगी जीते हैं, एनिमल्स की तरह जिंदगी जीते हैं ऐसे ही है। और उसके जो शीश है, यानी कि बहुत सारे जगहों पर पशु को मारा भी जाता है, तो पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, यानी कि पशु जैसे लोग है वो, उसको भी तू सेलेक्ट कर सकता, करा सकता है, बाउ डाउन करा सकता है। जैसे हमने देखा एक बात मैंने बताई थी आपको, गौतम बुद्ध की अंगुलिमान जब था वो पशुता जैसा था, वो इंसान को मार देता था, उसके उंगलियां काट लेता था और अपने गले में पहन लेता था। मगर वो भी इंसान था, गौतम बुद्ध भी इंसान, दोनों इंसान इंसान ही थे, मगर एक था वो प्रलय रुकाने वाला था और एक था वो शीश झुकाने वाला। ओके? तो दोनों सामने थे, मगर गौतम बुद्ध को देखा तो उसका हिमगिरी सा बाल था, प्रकृति और हिमगिरी सा बाल देखकर वो चकित हो गया। और क्या हुआ? उसकी पशुता शीश झुक गई और उन्होंने शीश झुका लिया। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर तू हिम्मत से काम लेगा ना, गुरु सा मतिमान।